नारी स्वाभिमान संरक्षण व स्वावलंबन की दिशा में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बृहस्पतिवार को देर शाम ARTO भवन में अरुण कुमार द्वारा काशी नरेश महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं को डॉक्टर कामिनी वर्मा के नेतृत्व में सड़कों पर सुरक्षा विषय आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही सशक्तिकरण की दिशा में गति प्रदान करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु अप्लाई करवाया गया। सड़कों पर असावधानी के कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं। इन्हीं को कम करने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शासन की ओर से सीधे लखनऊ से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें नशा करके गाड़ी न चलाने, सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट लगाने व अपनी लेन में चलने के लिए जागरूक किया गया। उनका पूरे प्रदेश में सरकार की तरफ से समस्त विभागों को ये निर्देशित किया गया है कि मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनको आगे बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों की जो अनुपात रहता है 50-50% का होता है, तो हमारे समाज में उनको वो दर्जा नहीं प्राप्त हुआ जो तक प्राप्त हो जाना चाहिए था, तो उन्हीं को आगे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे यहाँ रोड सेफ्टी से रिलेटेड कार्यक्रम की एक कल हेडक्वार्टर लेवल से जो है कि ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे आप सड़क पर चलें तो किन किन चीज़ों का ध्यान दें, ट्रैफिक सेंस के बारे में जानकारी दी गई, गुड्स एंड रिटर्न क्या होता है उसके बारे में उनको जानकारी दी गई, गोल्डन आवर के बारे में जानकारी दी गई, किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया हो तो उसके लिए प्रथम घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाएँ, 108 एम्बुलेंस को कॉल करें, 112 को कॉल करें, उसकी मदद करें, जिसमें बच्चों में काफ़ी जागरूकता आई और साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट में उनको लाभान्वित करने की जो योजनाएं हैं, जैसे लाइसेंसिंग की प्रक्रिया उसके बारे में उनको बताया गया कि हम अगर वो आवेदन करेंगे तो उनकी लाइसेंसिंग सरलीकरण प्रक्रिया तक उनको हम जारी करेंगे।